हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्यावेश शिखा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर वर्ण को सही तरीके से लिखने की। छोटे बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें राइटिंग की वजह से बहुत डांट पड़ती है, तो मेरा ये वीडियो स्पेशली उन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए है जिन्हें राइटिंग के लिए डांट पड़ती है। बेचारे राइटिंग लिखते भी हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता किस तरीके से हम सही तरीके से लिखें कि हमें डांट ना पड़े, उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो बड़े लोगों के लिए भी यूज़फुल है जो लोग अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर को ही सही तरीके से लिखना सीखेंगे और व्यंजन के लिए नेक्स्ट हम दो वीडियो लाएंगे, उसमें व्यंजन को सही तरीके से लिखना समझेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आ, आ के लिए बच्चों पहला वाला ये छोटा बनता है और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा और इस लाइन से थोड़ा सा ऊंचा, ठीक है। और ये यहाँ से लाइन जाती है और ये सीधी लाइन, ये आपका हो गया आ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए और ये देख लीजिए आप लोग कैसे बनाते थे और इसको समझ लीजिए क्या अंतर है आपका। और ये वाला थोड़ा ऊपर वाला थोड़ा छोटा, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा और इससे ऊँचा थोड़ा सा, और ये लाइन यहाँ से, ये बीच से नहीं बच्चों, यहाँ से नीचे से आएगी और ये सीधी लाइन और ये आपका आ हो गया, ठीक है। अब हम बनाते हैं बड़ा, ये ऊपर वाला थोड़ा छोटा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा और ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन और ये आ की मात्रा, ये हो गया आपका शिरोरेखा और ये हो गया आपका आ आ आ, ठीक है। अब हम बनाना बताएंगे आपको ई। छोटे बच्चों, ई कैसे बनती है, ये एक छोटी सी लाइन और ये इधर हम लेके गए, फिर जितना हम ये जो सीधी लाइन होती है ना इसके बराबर ही वापस आना है, ठीक है। और ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है, ये है हमारा ई। कुछ हम लोग कुछ गलती क्या कर देते हैं, ये ऐसे बना करके ये इसको खोल देते हैं, ये देखिए खुला होता है, ये खुला नहीं होता, ये गलत तरीका होता है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए ये बनाना, ये छोटी लाइन ये पीछे तक गई और ये वहीं तक आएगी जहाँ से सीधी लाइन थी, छोटी लाइन थी ना, वहाँ से आके ऐसे और फिर ऐसे हम काट देंगे और ये खुला नहीं रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये शिरोरेखा और ये बड़ी की मात्रा ऐसे, बड़ी की मात्रा जनरली क्या करते हैं लोग, ऐसे लगा देते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता होता ऐसे लगाते हैं, ऐसे जैसे ई लिखा ऐसे करके और ऐसे मात्रा लगाई, ऐसे नहीं मात्रा लगती है ऐसे। तो ई, अब देखिए ऊ बनाना हम सीखते हैं, ये ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा और ये पूरी शिरोरेखा, ध्यान रखिएगा बच्चों पूरी शिरोरेखा ऊ में होती है, ठीक है। अब बनाएंगे बड़ा ऊ, ऊपर वाला छोटा, मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आप लोग की दो तीन बार प्रैक्टिस करने में आप लोग की राइटिंग बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऊ में क्या करते हैं, ये तो छोटा ऊ की तरह बन गया लेकिन ऊ बड़ा ऊ में क्या करते हैं, मात्रा हम यहाँ से लगाते हैं, ठीक है, बीच से नहीं लगाते। बच्चे गलती क्या करते थे, ऐसे किया और ये जो होता है ना वो सोचते इसको हमें फिल करना है, ऐसे मात्रा लगाते, ये गलत तरीका है बच्चों। मात्रा नीचे से लगती है, नीचे से आती है, ठीक है, ये ऊ है। एक बार हम और आपको बता देते हैं, ऊपर वाला थोड़ा छोटा, ठीक है, और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा और ये यहाँ से मात्रा लगती है, ठीक है, ये आपका हो गया ओ, ठीक। अब आ आ ई ई उ उ री, अब री आती है तो री को देखिए ऐसे बनाते हैं, ये दो मात्रा ऐसे किया, सीधी लाइन किया और ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका हो गया बच्चों री, ये री लिखने का तरीका है। फिर से देख लीजिए एक बार, ये ऐसे लाइन, ये सीधी लाइन और ये आपका ये हो गया री, आ आ ई ई उ उ री, ठीक है। आप बनाती ए, ए के लिए क्या करती है, ऐसे नई सिरोरेखा नहीं भी खींचेंगे, ठीक है, मेरी हैबिट है तो मैं खींच दिया था, ये ऐसे करते हैं, ठीक, और इस दूसरी लाइन को यहाँ लाके टच करते हैं। इससे बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको देखिए इधर, इससे बच्चे क्या करते हैं, इनको लगता है इसको फिल करना है,
तो यहाँ पे आके जोड़ देते हैं, ये गलत तरीका है, ये ऊपर ही रहेगा ये, ठीक है। और अब बनाते हैं ये और ये लाइन यहाँ ऊपर जुड़ी थी और ये शिरोरेखा और ए की मात्रा ये ए ए है ना। और देखिए ओ बनाते हैं, छोटा फिर बड़ा और ये यहाँ से लाइन सीधी लाइन आ की मात्रा और ये शिरोरेखा और ये मात्रा ओ की, ठीक है। जैसे आपने बड़ा आ बनाया था वैसे आ बनाएंगे और ओ की मात्रा ऊपर हम लगा देंगे, लेकिन ये बात यहाँ हम ध्यान रखेंगे जो ये मात्रा होती है ये पीछे वाली लाइन से लगती है, ठीक है, पीछे वाली लाइन से मात्रा लगाएंगे। अब बनाएंगे ओ आ से औरत, देखिए ये हम आ की तरह बना दे रहे हैं पूरा ये ऐसे ऊपर तक और ये सीधी लाइन, ये हमारा बन गया बड़ा। अब ये इसमें हम ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ से औरत बड़ी महान, ठीक है, ये हमारा हो गया ओ। हम बच्चों लिखते हैं अंग, अंग के लिए भी आपको आ बनाना होगा और अंग के लिए आपको छोटा आ बनाना होगा, ठीक है। अंग ये आहा, तो अगर स्वर में मुझे लगता है अगर आप लोग आ की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके स्वर के काफ़ी वर्ण बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके वर्ण हो गए, इनको लिखने का सही तरीका है। जो गलतियां छोटे बच्चे कर देते हैं वो मैंने इधर आप लोग को बता दिए। आ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं आह, तो इस वीडियो पे हमने सिर्फ स्वर के वर्णों को सही तरीके से लिखना समझा है। इसके आगे व्यंजन के वर्ण लिखने का जो सही तरीका होगा उसके हम दो वीडियो लाएंगे, दो पार्ट में वो बनेगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि नेक्स्ट जो व्यंजन वाला वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, बाय बाय।